हरे कृष्णा, हमारे श्रीमद् भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के दूसरे अध्याय पर। और इस अध्याय के अंदर प्रियव्रत महाराज, जो कि मनु के ही पुत्र थे, उनके वंशजों के बारे में वर्णन किया गया है। महाराज प्रियव्रत के सबसे वरिष्ठ पुत्र, जिनका नाम था महाराज अग्नेंद्र, उनकी जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया है। देखिए, सुखदेव गोस्वामी इसके प्रथम श्लोक में कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं पितृ संप्रवते तद अनुशासने वर्तमान अग्निंद्रो जम्बु दीपोक्सा प्रजा और सवाहत धर्मावेक्ष समान प्रज्ञा गोपयात। शुद्ध गोस्वामी ने कहा कि जो महाराज अग्निंद्र थे, प्रियव्रत के पुत्र, इनको ऊपर जिम्मेदारी थी कि जम्बूद्वीप के राजा बन जाएं। हमेशा पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करते थे, अपने संतान को अपना राज्य देकर के वह लोग वन की ओर विचरण करते थे। तो उन्होंने वन का विचरण किया और अपने पुत्र अग्निंद्र को राज्य दिया, जम्बूद्वीप यानी पूरी पृथ्वी के राजा बनाया गया। बाद में अग्निंद्र जो थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, अब उनको भी आगे संतान उत्पन्न करनी है। वो कई जगहों पर भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनकी मनोवृत्ति को जान लिया। मनु उनके दादा हैं और ब्रह्मा जी उनके परदादा हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परदादा हैं, उन्होंने अपने पर पोते की भावनाओं को समझ लिया और उन्होंने कहा कि ये विवाह करने के लिए किसी कन्या को ढूंढ रहा है, तो मैं एक ऐसी अप्सरा को उसके जीवन में देता हूं ताकि इनका जीवन अच्छा चले। तो इस प्रकार भागवत में वर्णन आया है कि राजा अग्निंद्र एक पर्वत के अंदर प्रवेश करते हैं और वह पर्वत जो है मंदार पर्वत की गुफा के अंदर, और वो वहां पर बड़ी तपोस्थली थी, तपस्या के लिए बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को भेजा जिसका नाम था पूर्वचित्ति, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, शरीर उसका बहुत ही सुडौल था, और वह रूप देख करके राजा अग्निंद्र ने पूर्वचित्ति से कहा कि हम लोग इस आश्रम में मिले, इस गुफा में मिले हैं, तो क्यों ना हम अपना जीवन, गृहस्थ जीवन आगे चलाएं। राजा अग्निंद्र से इतना उनका आकर्षण हुआ, तो जितनी भी अप्सराएं होती हैं यह नीचे आती हैं, लेकिन इनको किसी से विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। तो उन्होंने कहा हम साथ रहेंगे लेकिन हम विवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनकी सुंदर मुस्कान, सुंदर शब्द देख करके राजा अग्निंद्र का हृदय पूरा पूरा ऐसा हो गया कि बस अगर जीवन में मिल जाए तो ये मुझे मिल जाए। अग्निंद्र भी बहुत सुंदर भाषा बोलते थे, क्योंकि राजा के पुत्र थे। उन्होंने भी अपनी बड़ी ही सुंदर वाक्पटुता से उस कन्या के दिल को जीत लिया, और इस प्रकार दोनों ने रहना प्रारंभ किया, दोनों साथ में रहने लग गए। काफी सालों तक रहने के बाद राजा अग्निंद्र को त्याग करके पूर्वचित्ति, जैसा बताया गया अप्सराएं किसी से विवाह नहीं कर सकती हैं, अप्सराएं आती हैं और फिर पुनः अपने लोग को चले जाती हैं। अप्सराएं जो हैं वह जब अपने लोग को पुनः चले जाती हैं तो नीचे जो राजा हैं इनके हृदय में बड़ी ही वेदना होती, दुख होता है कि इतनी सुंदर स्त्री अप्सरा जैसी कहाँ चली गई। जब वो अपने लोग को चली गई तो राजा अग्निंद्र की जो इंद्रियां थी वो असंतुष्ट रही, वो संतुष्ट नहीं हो पाई, और वो हमेशा ही अपनी अप्सरा स्वरूपी पत्नी का स्मरण करते रहे। और इस अग्निंद्र से उन्होंने कई सारे संतानों को उत्पन्न किया था। इसमें मुख्य रूप से इनकी 9 संतानें बताई गई हैं, जो है नाभि, राजा नाभि के बारे में वर्णन है। किम पुरुष नाम के इनके पुत्र हुए, हरि वर्षह नाम के इनके पुत्र हुए, इला व्रतह नाम के इनके पुत्र हुए, रमायक नाम के इनके पुत्र हुए, हिरण्यमय नाम के पुत्र हुए, कुरु, जो कुरु वंश हम सुनते हैं, कुरु राजा, और कुरु राजा किसके आ रहे, अग्निंद्र के पुत्र है, कुरु वंश, जहां से फिर हम कुरुक्षेत्र नामक गीता में हम पढ़ते कुरु राजा के पुत्र। भद्रश्रवा, भद्रशिवा नामक इनके पुत्र हुए, और केतुमाला नाम के। तो ये 9 पुत्र इनको अग्निंद्र राजा को प्राप्त हुए, और इस प्रकार से अग्निंद्र ने
इन नौ पुत्रों को नौ द्वीपों का राजा बनाया, कई द्वीप उनको प्रदान किए। और इस प्रकार से जब अग्नेंद्र जो थे उन्होंने अपने पुत्रों को राज्यभार संभाला, तो इस प्रकार उन्होंने नौ कन्याओं से विवाह किया जिनके नाम शास्त्र में बताए हैं, मेरु देवी, प्रति रूपा, उग्र दमिष्ट्रा, लता, रमया, श्यामा, नारी, भद्रा और देववृत्ति। इन नौ कन्याओं से इनके नौ पुत्रों के विवाह हुए और इस प्रकार उन्होंने नौ द्वीपों को, इतना सुनते हम आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स, तो पहले ये पूरा एक राज्य हुआ करता था, एक ही पृथ्वी थी जिसको जम्बू द्वीप कहते थे, भारत नाम नहीं था, जम्बू द्वीप था। फिर बाद में राजा भरत हुए ऋषभ के पुत्र, तब नाम पड़ा भारत देश। फिर भरत के आगे पुत्र आदि हुए, उन्होंने फिर आगे साम्राज्य को संभाला। और जैसा हम सुनते हैं कि मनु महाराज जो थे, मनु महाराज के पांच संतानें हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, अकूति, प्रसूति। तो उनमें से जो उत्तानपाद थे वो ध्रुव के पिता थे, ध्रुव चरित्र में हमने श्रवण किया। और जो प्रियव्रत थे उन्होंने अपनी संतानों से ये पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा। और प्रियव्रत ने अपने संतानों से कहा था, तुम अपने रथ के चक्के से सात द्वीपों का निर्माण करो। हमने पिछले पिछले एपिसोड में इसका श्रवण भी किया था। और अब अग्नेंद्र राजा जो कि प्रियव्रत के पुत्र थे, अग्नेंद्र ने अपने पुत्रों को इन द्वीपों का राजा बना करके, तो उसमें नौ द्वीप बताए, सात मुख्य हैं और दो सूक्ष्म द्वीप हैं जिनकी फिर उन्होंने आगे उसको देखभाल करी। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना कितनी साइंटिफिक तरीके से हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। वरना लोग बोलते धमाका हुआ था और अलग हो गए थे और ये इस प्रकार से ये द्वीप हुआ करते थे जिनको कि हम एक एक नाम से, साइंटिफिक नाम लोग बोलते हैं कि भाई इसमें इस तरह से हम थे, साथ में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, शास्त्र चक्षुषा कहा गया है, शास्त्र चक्षु से किसी भी चीज की गहराई में जाएंगे तो हमको बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हमें समझ में आती हैं कि वो क्यों हुई, कैसे हुई, उनके लॉजिक्स क्या थे। परंतु जो लोग गुमराह हैं वो लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, और मैंने भी साइंस पढ़ा है, तो वो लोग कभी भी शास्त्र की शरण ले नहीं पाते। उनको लगता है ये मिथ्स हैं, ये माइथोलॉजी है, और जो हमने पढ़ा है वो सत्य है। परंतु दो प्रकार का ज्ञान शास्त्रों में बताया गया, एक होता अवरोह, एक होता आरोह। अवरोह पंथा, आरोह पंथा, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो जो शास्त्र का ज्ञान है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी भगवान से ये ज्ञान धीरे धीरे आचार्यों से होता हुआ हम तक आया है, यानी ऊपर से ये ज्ञान नीचे आ रहा है। और एक ज्ञान जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी वी आर डूइंग सर्च, रिसर्च, 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 रिसर्च कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को पुनः पुनः खोज रहे हैं ताकि अंत में हम उस परम सत्य तक पहुंच सके कि आखिर था क्या। तो आप खुद बताइए, एक ज्ञान जो ऊपर से नीचे आ रहा है और एक जो नीचे से ऊपर जा रहा है। जैसे पिता से पूछा जाए मेरी माँ कौन है, तो पिता बता देंगे ये तुम्हारी माँ है, या माँ से पूछा जाए कि मेरे पिता कौन है वो तुम्हें, यानी ऊपर से वो ज्ञान आएगा ठीक है। अब आप नीचे से उस ज्ञान को डीएनए टेस्टिंग करो, पता करना चाहो कि मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है, कई वर्ष बीत जाएंगे, हो सकता है जीवन काल में हम ढूंढ भी ना पाए। तो जो ज्ञान नीचे से ऊपर जाता है वो हमेशा सूक्ष्म होता है, वो ज्ञान जो ऊपर से नीचे आता है वो ठोस होता है, मजबूत होता है, और उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। हरे कृष्णा।